हेलो व्हाट इज अप पीपल, अब भैया आप देख रहे हैं ओनली संडे यूट्यूब चैनल कपिल के साथ। तो अभी क्या है, अभी हमारा एक दोस्त है आसिफ रहमान, जिसका आज शो है छतरपुर के अंदर है कबीलो बिस्तो जो कैफे है, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत फेमस है वो जगह। तो अभी क्या है, उसका स्टैंड अप कॉमेडियन का जो एक शो था, तो अभी टाइम तो हमारा आई थिंक 1 बज गया, तो उसने बुलाया था हमें जल्दी, तो हम लेट हो रहे हैं, 5 बजे से शो स्टार्ट होने वाला है और 1 बज चुका है। और तो सुनील अभी मेरे साथ ही है, जो कि मेरे साथ ही जा रहा है बाइक पे। अगर बाइक मैं दिखा दूँ आपको, बाइक कहाँ खड़ी हुई है, ये देखो बाइक यहाँ खड़ी हुई है नीचे पास में, यहाँ पे ये रहा सुनील हमारे साथ। तो सुनील कहाँ जा रहे हैं अभी हम? छतरपुर। चलो ठीक है गाइज, आप इन्जॉय करना इस जर्नी को, हमारे बहुत स्पेशल ब्लॉग्स होने वाले हैं आपके लिए, बहुत स्पेशल स्पेशल चीज़ें आएंगी, हर एक चीज़। हम आपको दिल्ली के जो लोकल एरिया होते हैं ना, जहाँ पे अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स क्या होते हैं, बढ़िया बढ़िया जगह जाते हैं, हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो आपने शायद जाते रहते हो बट बाकी चीज़ें देख नहीं पाते। तो ठीक है, देखते हैं। ओके बाय भाई, मिलते हैं। अभी दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कबीला कैफे के अंदर, जहाँ अपना शो करने वाला है। चलिए चलते हैं कबीला कैफे। हेलो गाइस, तो अभी आप देख रहे हैं, अभी हम आ चुके हैं अपने कॉन्सर्ट के अंदर, कबीला रेस्टोरेंट है। तो आप ये देखो, ये हमारा बड़ी एक और एक सुनील, इसका शो है। अच्छा फ्रंट कैमरे पे जो जूम नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं अभी आसिफ का शो स्टार्ट होने वाला है, जस्ट कीप वॉचिंग गाइस। हाय, आई एम इन रिलेशनशिप, सॉरी वर्चुअल रिलेशनशिप, क्योंकि आज तक मेरी बंदी मुझसे मिलने नहीं है। हमारा सच्ची वर्चुअल होता है, मैं कभी बोलूँ से मिलने के लिए, हमेशा कुछ भी बहाना होता है उसके पास। मैं क्या शाम को आ जा, भैया आ गए नहीं आ सकते, मैं काम कर संडे को आ जा, कि नहीं यार संडे को सब घर पे रहते हैं। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा तेरे घर वाले गए हैं, कि सब गांव गए हैं, कब तो आ जा, किसी घर पे कोई नहीं है। मैं कहता हर बारी ड्रामा रहती, कह रही यार तू ना, तुझे ना सिर्फ मेरे शरीर यहाँ रिलेशनशिप में कौन कर रहे वैसे सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं जाना, मेरी बंदी को नहीं मतलब कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर आ गया हाथ में, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, उसका मैसेज तुमने मुझे अब तक नहीं मनाया। मेरी बहन ने होश में नहीं है, फिलहाल तो डॉक्टर मुझे मना रहे हैं, कह रहे हैं छोटे छोटे ठीक हो जाएगा। एक दिन कह रही यार तू ना कोई और देख ले, मैं तेरे लायक नहीं। क्या कपड़े की दुकान है क्या बेंचो, मैं कभी भी चला जाऊँ भाई, दूसरी देखा मजा नहीं आ रहा उसमें। एक दिन कह रही अपनी दीदी का मुकाल लग गई, कह रही मेरी दीदी कह रही कि तू बॉयफ्रेंड बना, मैंने कहा अच्छा तो मैं कौन हूँ? तेरी दीदी उससे कह रही कि तू बॉयफ्रेंड बना, तू मुझसे पूछ रही है? मैं हूँ कौन? तेरे घरवालों के सामने मैं भाई हूँ, तेरी दीदी के सामने मैं दोस्त हूँ, अकेले हूँ बॉयफ्रेंड। मेरी बंदी को मेरे बर्थडे पर ना 10 बजे फोन स्विच ऑफ हो गया, फोन स्विच ऑफ होने के बाद उसका मैसेज आया कि यार बैटरी नहीं है, कल बात करूंगी। अगले पूरे दिन मैसेज नहीं करा, मैंने कहा तुझे मेरे बर्थडे में मिस करने तक टाइम मिला, तेरे घर पर सब थे और फोन मेरे पास नहीं था, पहले चार्ज में था, फिर पापा ले लिया, फिर मैंने ले लिया, फिर छोटे भाई ने ले लिया, फिर मेरे पापा ले लिया, फिर मेरे पड़ोसी ले लिया, फिर मैंने रिश्ते ले लिए, मेरे हाथ में फोन पहुंचा ही नहीं। मैंने तेरा फोन है टीवी का रिमोट, अब इसका ऑर्डर करने का तरीका देखो। मैं कहा करिए 1 मिनट रुको, पापा सामान लिया ना? मैं ठीक है, हेलो, इनका हेलो, मम्मी चाय पीनी है क्या, बनाओ। फिर कह रही हेलो, मैंने कहा हेलो, अरे भैया दूध लेके जाए तुम क्या? कह रही हेलो कहाँ चले गए? मैंने कहा हेलो, कह रही भैया अब तक आया नहीं यार। फिर कह रही हेलो, मैंने कहा हेलो कर बाद बात कर दो कट। मेरे से कह रही मैं जब तुमको फोन करूँ ना तुम्हें तुरंत उठाना है और मैसेज करूँ तुरंत रिप्लाई करना है तुम्हें। अच्छा अगर मैं मैसेज करूँ तो मेरे मुझे घर पर काम भी होते हैं और मैं नल्ला बैठा हूँ बेंच पे, मेरी बंदे को सब कुछ याद रहता है। मैं से कह रही है तुमने मुझे हर्ट किया था 24 तारीख को जुलाई में 2021 8:45 पर।
अच्छा मुझे कल के नहीं पता मैंने कितना हगा था। मैंने कहा तूने ना उसने मुझे ये कहा था कि हो ही नहीं सकता ऐसा, मैं कह ही नहीं सकती ऐसा, मतलब तूने कहा था। मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेजूं कि तुम एडिट करके भेज दोगे, मुझे क्या पता चल जाएगा ऐसा। एक दिन कह लिया उससे यार आज हमारे से मिलता रहेगा किसी को, मैं ठीक कह दिया अपने दोस्त को भी, मैं पता ना अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, काफी टाइम स्पेंड कर लिया हमने यहाँ पे, तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। गाइस अब हम कैफे से बाहर जा रहे हैं, काफी अच्छा लगा इस शो में। और ये था आपका कबीला बिस्ट्रो। बढ़िया रहा है, आपने काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करा है यहाँ पर। तो कपिल कैसा लगा तेरे को कबीला बिस्ट्रो? मजा आ गया ना, क्या हुआ तुम तो ऑसम था। गाइस बहुत ही अच्छी जगह है, आप यहाँ पर आओ कबीला बिस्ट्रो में, आप टाइम स्पेंड करो, मैं कह रहा हूँ बहुत ही क्वालिटी टाइम मिलेगा पूरा। और आके ना आज से जो है यहाँ पे हर संडे को आता है, तो इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी आ सकते हो। ओनली संडे भी हमने इसीलिए रखा क्योंकि ऐसे का शो ही संडे को होता है, तो मेन मोटिव हमारा यही था कि हम जितने भी प्रैंक्स करते हैं या अनबॉक्सिंग करते हैं जो भी करते हैं ज़्यादातर संडे को करते हैं, जो भी जगह है हमारी जितनी हम एक्सप्लोर करते हैं दिल्ली को, दिल्ली के बाहर भी करेंगे पैसा। और ये हमारा बकचोद के ही फैन है सुनील है भाई, सब कह रहे थे कि सुनील वीडियो में क्यों नहीं आ रहा, सुनील की रहा, सुनील क्या है भाई आजकल ना मैच चल रहा है, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है, उस चक्कर में मैं जो गनी बहुत बार और यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ गाइस काफी कबीला बिस्ट्रो में काफी अच्छा कैफे है, आप सच सत्य निकेतन आइए और अपने दोस्तों के साथ और टाइम स्पेंड करिए, बहुत ही अच्छा। और कभी भी अगर मेरा शो होता है तो आपको जरूर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप जरूर आना, और कोई एंट्री फीस नहीं है, आराम से आना चलवा जरूर लिए। गाइस कपिल से बात करिए। चलो गाइस बात क्या करनी है, चलते हैं भाई, मैच चालू होने वाला है, चाहे भीगे चाहे गीले हमें कुछ भी करना मैच जरूर देखना। ओके टिल देन बाय, एंजॉय योर डे।